है गाइस, वेलकम टू 5 मिनट स्टॉक एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम 5 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज़ करके पूरा एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस यार, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सो हम आ चुके हैं एंजल वन के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज यार, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो गाइज यार, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एंजल वन पे वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना एक बार। बाकी इस पहले इसका एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं राइट इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक बार जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं बेसिक में बता देता हूँ। देखो इसका प्राइस एक्शन में अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूसली प्राइस हाई बनाती जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है, यानी कि कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड हमको इसमें देखने को मिला राइट। सो उसके अलावा ये थोड़े से जोन में आपको एक बार क्लियर कर लेता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले देख सकते हो नीचे मैंने एक जोन को क्रिएट किया है, जहां पर देख सकते हो मैंने रेड एरो से दिखाया कि जब पहली बार प्राइस ने 1000 के अराउंड इस लेवल को हिट किया था, वहां पर देखो कंटिन्यूसली हमको सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद अगेन यहां पर ब्रेकआउट हुआ, फिर शानदार रैली। ठीक है, इसी तरीके से फिर ऊपर में मैंने बीच में एक और जोन क्रिएट किया है, जहां पर मैंने दो रेड एरो से दिखाया कि वहां पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, उसको फिर लास्ट टाइम इसने ब्रेक किया, फिर अगेन ऊपर में एक और ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, वहां पर दिखाया वो इसका मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो इसका ऑल टाइम हाई राइट। सो उसके बाद रिसेंट प्राइस देख सकते हो यहां पर फॉल करती हुई, यानी कि काफी लॉन्ग फॉल हमको इसमें देखने को मिला और प्राइस अगेन इस नीचे वाले जोन के सपोर्ट लेवल के पास में आई थी राइट। सो यहां पर हमारा एक काफी शानदार ट्रेड बना था, जहां पर मैंने बताया था कि यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ हमको नजर आ रहा है राइट, और ये अगर ब्रेकआउट होगा तो हमारा सीधे दोनों टारगेट हिट होने वाले राइट। कुछ इस टाइप का पैटर्न मैंने आपको पहले दिखाया था उस वीडियो में, सो एक बार वो वीडियो आप देख लेना ताकि आपको पता चलेगा, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो छोटा वाला जोन मैंने बीच में क्रिएट किया है, जहां पर कुछ मैं रेड एरो से आपको दिखा देता हूं, देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर मैंने खुद भी एक ट्रेड लिया था जो भी मैंने आपको दिखाया था उसमें। ओके, सो यहां पर मैंने आपको एक ट्रेड दिया था पहले, मैंने बताया था कि 1200 का लेवल जब भी ब्रेक होगा, यानी कि 1200 से 1220 का लेवल जब भी ब्रेक होगा तब हमको इसमें एंट्री लेना है और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस नीचे वाली ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन तक, और हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1440 के अराउंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है राइट। तो अब हमको इसमें जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे प्राइस के इसके पास में इस जोन के पास में प्राइस आई है और नीचे में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी हैवी वॉल्यूम है, यानी कि प्राइस अभी यहाँ से और ऊपर मूव करने वाली, तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमको थोड़ा सा वेट करना है। ऊपर वाला जैसे 1440 का लेवल ब्रेक होगा उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि वहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बना, अगर वहाँ पर हमको सेलिंग देखने को मिलती है 440 से पहले तो हम इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज 440 का लेवल ब्रेक हो जाता है इमीडिएटली तो हमको इसमें और क्वांटिटी एड कर सकते हैं, हम इसको होल्ड करना है, उसके बाद हमको बेचना नहीं, इसको होल्ड करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ऊपर वाली ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, यानी कि ऑल टाइम हाई, यानी कि 1700 के आसपास हमारा टारगेट होगा जो भी हमारा हिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीचे में वॉल्यूम देखोगे तो काफी हैवी वॉल्यूम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट डेट इसकी है ये वाली। ओके, सो यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, यानी कि 2 मार्च को इसकी जो अर्निंग आने वाली, तो उस तब तक के लिए हम काफी ज्यादा ऑप्शन है हमारे, बीच में 2-3 दिन बाद हमको एक डिविडेंड भी इसमें देखने को मिलने वाला है यहां पर, सो काफी अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है राइट गाइस। तो हमको थोड़ा सा वेट करना है, अभी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। सो ये वीडियो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ और जिसमें मैंने आपको डिटेल वाइज सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कहाँ हमारी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट होगा, जो कि मैंने आपको सब कुछ बताया, और हमारा टारगेट जो फर्स्ट है वो यहाँ पर हिट हो चुका है राइट। ये जो हमारा टारगेट फर्स्ट था ये हमारा हिट हो चुका है, अभी हमारा टारगेट सेकंड है ये वाला, जो कि हमको हिट इसके लिए थोड़ा वेट करना है क्योंकि इसकी अर्निंग आनी थोड़ा बाकी है, तो ऑल टाइम हाई अपने हिट करने वाला राइट। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो अगर इस वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 1 से 2 बार देखें और पुराना वीडियो जाके देख ले, ताकि आपको ये पूरा इसका हमारा इसमें क्लियर हो जाए राइट। सो अगर यहाँ पर अब आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना, एक बार 1440 का लेवल ब्रेक होने दीजिए और उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अभी एंट्री मत लेना, बीच में आप फंस सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से हमको थोड़ी सेलिंग देखने को मिले और फिर आप बीच में फंस जाओ, तो बीच में आपको एंट्री नहीं लेनी, 1440 का लेवल ब्रेक हो जाए और 1450 के बाद आप एंट्री ले सकते हो और टारगेट फिर इसका ऑल टाइम हाई होगा, स्टॉप लॉस इस छोटे वाले जोन के नीचे होगा राइट। ये जो बीच में जोन मैंने बनाया इसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस 1430 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो 20 रुपये का, और यहाँ से टारगेट ऑल टाइम हाई होगा,
काफ़ी शानदार रैली हमको इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीटली बुलिश चल रहा है, सेक्टर बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, सब कुछ बुलिश हमको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी शानदार रैली हमारी इसमें हो सकती है। तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश की है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर, ताकि ऐसे एनालिसिस वीडियो आपसे मिस ना हो, टाइम पर इन चीज़ों को देख पाओ, और देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर पाओ। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।